नमस्कार दोस्तों, पीएम्स ट्रेवलॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो ये व्लॉग है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर तहसील की गद्दी जनजाति के बारे में है। गद्दी एक घुमंतू जनजाति है जो साल में 6 महीने मैदानों में रहती है और 6 महीने के लिए ये अपने पशुओं को लेकर पहाड़ों में आ जाते हैं। ये मूल रूप से पशुपालक हैं और भेड़ों का और साथ ही साथ बकरियों का पालन करते हैं। गद्दियों का जीवन एक अनूठा जीवन है, एक कठिनाई भरा जीवन, पर फिर उस जीवन में भी ये बड़े आनंद से रहते हैं। और आधुनिकता के दबाव में जहां नए नए व्यवसायों को अपनाया जा रहा है, ऐसे में भी अभी गद्दियों के कुछ समूह हैं, कुछ परिवार हैं जो अपने सदियों पुराने पुश्तैनी काम को कर रहे हैं। और यद्यपि इनकी नई पीढ़ियां इस काम को पसंद नहीं कर रही हैं, फिर भी कम से कम अब तक तो गद्दी अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आइए एक झलक देखते हैं हम इस गद्दी जनजाति के जीवन के बारे में। आप ये जो एक काफिला जाते हुए देख रहे हैं भेड़ों का, ये दरअसल रिट्रीट है, ये वापसी है पहाड़ों से मैदानों की ओर। ये गद्दियों का काफिला है जो हर साल सितंबर के आखिर में, अक्टूबर के आरंभ में, सर्दियों के आरंभ में पहाड़ों से उतरकर मैदानों की ओर जाता है। आप यदि बैसाखी के आसपास पहाड़ों की यात्रा कर रहे हो अथवा सितंबर के अंत में या अक्टूबर के आरंभ में पहाड़ों पर आते हैं, तो इन गद्दियों के समूहों से आपको सड़कें पटी हुई मिलती हैं। कुछ किलोमीटर चलने पर आपको इनके भेड़ों के झुंड मिलते हैं और अक्सर मन में ये उत्कंठा जागती है कि क्यों ये इतनी बड़ी संख्या में, जो कि कभी 300, 400, 500 से लेकर 1000 तक भेड़े लेकर आवाजाही करते हैं। तो दोस्तों, आइए झांकते हैं इन गद्दियों के जीवन में कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ है और ये क्यों साल में 6 महीने मैदान में और 6 महीने पहाड़ों में रहते हैं। मित्रों, गद्दी मूल रूप से किसी जाति विशेष का नाम न होकर इनके व्यवसाय से जुड़ा संबोधन है और भरमौर तथा जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों जैसे भद्रवाह, किश्तवाड़ के उन गडरियों, चरवाहों, पशुपालकों के समूह को कहा जाता है जिसमें सवर्ण व गैर सवर्ण दोनों जातियां शामिल होती हैं। सवर्ण जातियों में जहां इसमें ब्राह्मण, राजपूत, खत्री और राठी जैसी जातियां हैं, वहीं गैर सवर्ण जातियों में हाली, रिहारे और डोम जैसी जातियां हैं। एक विशेष क्षेत्र में रहने के कारण जिसे गद्दी जनजाति क्षेत्र भी कहा जाता है और जो कि बड़ा दुर्गम और कठिन स्थान है ऊंचे पर्वतों पर, इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। वहीं गैर सवर्ण जातियां अलग से अनुसूचित जनजाति के भी दर्जे में आती हैं। जहां तक इनके मूल निवास का, जहां से ये आए हैं, स्थान का प्रश्न है, ये लोग माना जाता है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य एशिया से आए हैं और 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों से परेशान होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने हिमाचल की पहाड़ियों में ऊंचे स्थानों पर शरण ली और हिमाचल में गद्दी जनजाति के लोग ही सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं इस क्षेत्र में।
हाथियों का जो मूल व्यवसाय है वह तो पशुपालन ही है, जिसमें भेड़ और बकरियों को ये पालते हैं और भेड़ से उच्च गुणवत्ता का ऊन प्राप्त कर उससे अच्छे गर्म कपड़े बनाकर बेचते हैं। साथ ही ये बागवानी भी करते हैं, जिसमें राजमा मक्की जैसी फसलें हैं। और अब आजकल भरमौर के इलाके में सेब की खेती ने भी जोर पकड़ा हुआ है। मित्रों, अगर देखा जाए तो गद्दी एक जीवन शैली है, बहुत कठिन जीवन है। ऊंचे पहाड़ों पर पहाड़ों के रास्ते से आना और जाना, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये लोग औरंगजेब के अत्याचारों से बचने के लिए यहाँ पहाड़ों पर चले आए। फिर इन्होंने मैदानों में अपना स्थान बनाया, जो कि मूल रूप से बैजनाथ, पपरौला, पालमपुर, ऊना का जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, जसूर का, नूरपुर जसूर का क्षेत्र है, वहाँ पे अपना स्थान बनाया। और वहाँ से जिस समय चारे का भाव होता है तो ये ऊपर चले आते हैं। तो अव्वल तो ये चारे के लिए ऊपर आते हैं, दूसरा इन्हें गर्मियों में ऊपर सुखदायी मौसम भी मिल जाता है, और सर्दियों की विभीषिका से बचने के लिए गद्दी मैदान में चले जाते हैं। आज हमारी मुलाकात ऐसे ही एक गद्दी समूह से हुई, जो भरमौर के अंतिम छोर पे, भरमौर ब्लॉक के अंतिम छोर पर स्थित कुगती गांव से, जो कि लाहौल स्पीति के ठीक नीचे है, वहां से ये बैजनाथ पपरौला जा रहे हैं। खड़ामुख, होली, देओल, लाके वाली होते हुए जोत के रास्ते से, और ये एक बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है। इस पहाड़ी रास्ते में ये कई दिन तक पहाड़ के ऊपर अकेले चलते हैं अपनी भेड़ों के साथ। और हम संयोगवश इनसे मुलाकात हो गई हमारी रास्ते में, और हमने इनकी गोठ, जहां ये बैठते हैं, जिस स्थान पे ये डेरा जमाते हैं, इनकी गोठ में हमने कुछ पल इनके साथ बिताए। तो आइए गद्दियों के मुख से ही इनकी कहानी सुनते हैं, तब की और अब की जीवन शैली में आया फर्क भी जानते हैं, और किस तरीके की कठिनाइयां ये महसूस कर रहे हैं, आजकल सामना कर रहे हैं। आज गद्दियों से एक मुलाकात आपके लिए। नमस्कार भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ऊना। ऊना, तो आप रहने वाले किस गांव के हैं? हम यहाँ के रहने वाले ही और पालमपुर के रहने वाले भी। अच्छा, पाल, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। तो साल में आप ऊपर आते हैं और चले जाते हैं? जी, जी। तो आते कब हैं पुरुषोत्तम जी? हम आते हैं जी बैसाखी के बाद। जी, बैसाखी के बाद। अच्छा, बैसाखी के बाद आते हैं आप। और तो आप दो ही साथी हैं आज? तीन है। तीन है, एक साथी आगे निकल गया है क्या? अच्छा जी, माल मिले नीचे को ले आ रहा है। अच्छा, माल ये नीचे जा रही है क्या? बैठना रात को, आज गोट यहाँ बैठेगी। ये गोट है आपकी? जी। अच्छा अच्छा, रात को यहाँ। दोस्तों, आज यहाँ इनकी बैठक होगी, और ये ऊना जा रहे हैं। पालमपुर में भी इनका घर है और यहाँ भी है। ये इस वक्त काफी बिजी हैं, व्यस्त हैं, अपनी भेड़ों को एक स्थान पे व्यवस्थित करने में। और इसे कहते हैं भेड़ चाल। अब ये भेड़ चाल चल पड़ी है, जिधर एक भेड़ चलती है उधर सारी भेड़ें चलती हैं। ये खास इशारे वाली सीटी है, गद्दी सीटी बोलते हैं जिसे। ये तीन साथी हैं। तो आज रात आप यहीं बैठेंगे पुरुषोत्तम जी?
और भोजन वगैरह कैसे बनाते हैं? ये लकड़ी बर्तन अच्छा सारे हैं सब, तो ये कहाँ है आपके बर्तन वगैरह? अच्छा एक बंदा पहले रख के चला गया है? घोड़े 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 छोड़े हम। अच्छा आपने घोड़े छोड़े, तो आपका गांव कहाँ पे है? गांव सां पंचायत में। सां, तो आप इधर कहाँ गए थे? से आया। अच्छा अभी आप अब यहाँ से आप इधर कहाँ जाएंगे? अब उन्हें जाएंगे नीचे नीचे। तो ये किस रास्ते से जाएंगे आप? ये आपका लाके वाली माता से। अच्छा वाया जोत जाएंगे। हाँ। लाके वाली से ऊपर एक जोत है। हाँ। अच्छा अच्छा हम बैजनाथ पपरोला पहुँचेंगे। तो आप तो पुरुषोत्तम जी कई प्रकार की सीटियाँ बजाते हैं, तो ये इन सीटियों से ही समझती हैं। हाँ। जैसे इनको कैसे कैसे सीटी बजाते हैं थोड़ा बता के बचास। अच्छा इस सीट तो ये पहली वाली जो थी उससे क्या होता है? उससे इकट्ठा हो जाता है। पहली वाली कैसे बजाते हैं? पहली वाली आपने बजाई? अच्छा दूसरी वाली भी जानिए चल करना है। अच्छा और रुकने के लिए कौन सी है? रुकने के लिए डान ही है आगे से, डान से रुके जाते हैं। अच्छा अच्छा मतलब दो सीटियां बजाते हैं आप। हाँ। खास तो पहली सीटी से इकट्ठी होती हैं। हाँ, अभी तो भी नीचे आ जाएंगे। अच्छा कहीं से भी होंगी तो वही उस जगह पर आ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। तो अभी यहाँ से आप जाएंगे तो आज यहाँ आप बैठेंगे और आगे कहाँ पे पड़ाव होगा इसके बाद? देवल में। देवल में, देवल मतलब लाके वाली से पहले। और कितने दिन में पहुँच जाएंगे यहाँ से आप बैजनाथ? आठ दिन में आप पहुँचेंगे। तो राशन पानी घोड़ा साथ में चलेगा? तो घोड़ा एक बंदा लेके चलता है? मार्ग साथ साथ ले चलते हैं। अच्छा घोड़ा भी साथ चलता रहता है? एक बंदा छोटा घोड़ा यहाँ बैठ गया साथ में चलेगा सब। परिवार कहाँ है आपके? परिवार मेरा पालनपुर में। तो बच्चे आपके क्या करते हैं? बच्चे लड़कियों की शादी हो गई थी मैं करी। दो बच्चियां थी? एक मुंडा है तो वो क्या करता है? होटल में। तो वो ये काम नहीं करता, उसको पसंद नहीं है ये काम? आजकल के बच्चे का आजकल बच्चे कोई नहीं करेगा इसको काम को आजकल के बच्चे। पर गद्दियों के तो बड़े गाने होते हैं कि चल जब 12वीं कक्षा पास करके भेड़ लेके गद्दी पहाड़ पे निकल जाएगा। तो बच्चे पसंद नहीं करते क्या? बच्चे कहाँ करेंगे, जितनी कष्ट हम करते उसमें बच्चे थोड़ी नहीं करेंगे। तो आपके पास कितनी भेड़ है पुरुषोत्तम जी? हमारे पास है 350 माल है। 350। और आपके पिताजी के पास कितनी हुआ करती थी? पिता के पास कभी 400 भी हो गई, कभी 50-60 हो गई रखती थी। तो आप ब्राह्मण हैं? राजपूत हैं? आप राजपूत हैं। और मूल रूप से रहने वाले कहाँ? राजस्थान के? अच्छा पुर्ती कुगती। अच्छा अच्छा ये है दोस्तों गद्दी की जिंदगी। अब समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। आप लोगों के कुछ पुरुषोत्तम जी विशेष गाने भी होते हैं अपनी भाषा में? कौन सी भाषा बोलते हैं आप? हमारी तो पहाड़ी भाषा है। पहाड़ी भाषा, तो कोई थोड़ा सा एक गीत हमारे लिए गुनगुना सकते हैं? हमारे धर्म सिंह भाई जी ने कहा गाने वाला। अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा गद्दियों के जो पहाड़ी गाने होते हैं ये गाते हैं। तो इस वक्त तो आप लोग काफी व्यस्त हैं, तो इस वक्त तो अभी आप माल अपना ठिकाने लगा रहे हैं? माल अच्छा ऊपर माल अभी और है और छुपा रहता है? तो कभी आपके माल जानवर भी ले जाते होंगे? भालू पड़ जाता है, मृग पड़ जाता है। अच्छा मृग एक छोटा भेड़ू भाग रहा था जिसे हमारे ड्राइवर ने पकड़ के मदद की पुरुषोत्तम जी की। पहाड़ों से छिपी हुई भेड़े जो सीटी की आवाज से उतर के खुद ही दौड़ी चली आ रही हैं। ये इस मार्ग से होके लाके वाली तक जाएंगे, लाके वाली माता से ये पहाड़ी रास्ते से बैजनाथ पपरोला जाएंगे। तो दोस्तों अब ये भेड़े सब इकट्ठी होंगी यहाँ पर एक साथ और आज रात यहीं गुजारी जाएगी। जब ये भेड़े वापस जाती हैं तो किसान इनको अपने खेतों में रुकने का निमंत्रण देते हैं और वहाँ जो ये मींगन करती हैं वो खाद का काम करती हैं। तो इनका काफ़ी माल पहाड़ों में जा छुपा है आप देख सकते हैं और ये सब सीटियों की आवाज़ से उतर रही हैं। ये बकरियाँ
खड़ी चढ़ाई उतरने में सक्षम होती हैं। तो आज आपने गति जीवन की एक छोटी सी झलक देखी। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे इनकी गोठ में, इस ब्लॉग के दूसरे भाग में। आज हम ये यहीं पर रोकते हैं। इस बीच आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर सन 2008 के जून महीने की है, लगभग आज से 14 से ज़्यादा वर्षों पूर्व की। और तब भी मुझे ये गद्दी जीवन ऐसा ही आकर्षित करता था। और ये तस्वीर खड़ा मुख के पास, जो कि भरमौर जाने के रास्ते में एक रोड जंक्शन है होली और भरमौर के बीच में, ये चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं मेरी भतीजी देवश्री, सबसे पीछे मेरा भतीजा किशन और मेरा बेटा राघव आगे खड़ा है। बहुत पुरानी तस्वीर है ये। जीवन आप जहां पर भी महसूस करना चाहें वहां खूबसूरत, सुंदर, अद्भुत लग सकता है दोस्तों। इसके लिए अधुनातम आधुनिक जीवन शैली की आवश्यकता नहीं है। इस ब्लॉग को आज हम यहीं रोकते हैं और जल्दी ही इसके अगले भाग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।